मत जुलम करे मेरी सा शेर खावे मांस लाके डाल दो और इतने पे भी ना माने तो धक्का देली काट दो। ये बात नहीं है बेटी। क्यों सासू माँ? क्योंकि आप ये भली भांति जानती हैं कि आज तक जो भी संत महात्मा इस द्वार पर आया उसे भूमा का दान दिया। अगर कोई जायज मांग होती सासू माँ तो आपकी बेटी कदापि मना नहीं करती, लेकिन इस मांग को मैं कैसे स्वीकार कर लूं? क्योंकि उन संतों ने पहले तेरे पिता को 3 वचनों में बांध दिया, उसके बाद हमारे पुत्र को मांगा है। सासू माँ, इतना बड़ा हृदय मेरे पास नहीं है कि मैं इतना बड़ा दान और इतनी बड़ी हाँ आपसे कर दूं। अगर किसी पशु या जानवर का मांस वो मांगते तो मैं तेरे पास कभी नहीं आती। उन्होंने तो केवल हमारे पुत्र का मांस मांगा है। सुनिए हमारी बात। कहिए सासू माँ। धर्म ना टिकाया करते घरी आए अरे घरी आए हेरी घरी आए साधु संत में धक्का ना लगाया करते घरी आए साधु संत ने धक्का ना लगाया करते। अरे बेटे ने मरवा के माता हो हाथों की मेहंदी ना छुट्टी दिल में कर के ख्याल देख किसके ऊपर उम्र कट है मेरी छाती ऊपर हाथ टेक किसके ऊपर उम्र कट है मेरी छाती ऊपर
साथियों वो विद्याधरनी अपने पुत्र वधू की बातें सुनती हैं तो बड़ी अच्छी लगती है, और उधर अपने पति की बातें सुनती हैं तो उसकी बातें भी बड़ी अच्छी लगती है, दो पार्टों के बीच फंस जाती है। सज्जनों किस प्रकार से तीसरी बात के माध्यम से क्या सोचती है, क्या कह दिया एक तरफ बेटे की ममता धर्म का सवाल री, 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यार लाल री, 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यार लाल री। अरे तू तो सासु खाई खेली, तू तो सासु खाई खेली, आया मेरा वार री, बेटे ने मरवाना चावे झूठा तेरा प्यार री, शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भीतर तार री, शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भीतर तार री। हो तू तो दे औरों ने खुद ही तारने सरकार मत जुलम करे मेरी सोची माज ने बिगाड़ दिए, धरती का हिलाया पर्दा तने बादल फाड़ दिए, धरती का हिलाया पर्दा तने बादल फाड़ दिए। अरे देख के जहर मार दे है मन, देख के जहर मार तेरी मन, क्यों मेरे तबेर करे सुर का सुरैया पूरण, ना दुश्मन पे खैर करे हरे राम बैसले पे बजरंग मैल करे।